किया जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर सलाहियत नहीं होती, ये अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन मैं सलाम करूंगा इन बच्चियों को, इनके वालिदैन को, इनके पेरेंट्स को और इनके टीचर्स को। छोटा सा मासूम बच्चा जिस दिलेरी के साथ, जिस बेबाकी के साथ, जिस जुरतमंदी के साथ और जिस गट्स के साथ वो अपनी करत का मुजाहरा कर रहा था, मैं पूरी वसूख के साथ कह रहा हूँ, बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाने का मौका मिलता है, यहाँ तक के विधानसौधा की सीढ़ियों पर भी कई लोगों को हमने देखा और कई बोलने वालों को देखा, जैसे ही स्टेज पर आते हैं, माइक उनके हाथ में थमाया जाता है तो उनके पाँव ऐसे कपकपाते हैं, पूरे स्टेज को ले लेकर डांस करती हूँ बोलो डर के मारे। लेकिन ये मासूम बच्चे जिन्हें ठीक तौर पर अपना नाम तक बोलना नहीं आता और जो अपना नाम भी बताना चाहे तो अपनी तोतली जबान में बताते हैं, ऐसे मासूम बच्चे जिस दिलेरी के साथ और जिस गट्स के साथ इन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया, यकीनन यकीनन मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इन बच्चों को भी और इनके पेरेंट्स को भी और इनके टीचर्स को भी। इसके बाद जिस मौजू पर हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तकसीम करना है, हम लोगों का एक मिजाज बन गया है, हमें ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारे हाथ से ये होता है कि नहीं होता, हमेशा डर खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हर किसी के अंदर खूबियाँ देते हैं, हर किसी के अंदर सलाहियत देते हैं। अब वो अपनी सलाहियत कैसे इस्तेमाल करता है, अपनी खूबी को कैसे इस्तेमाल करता है और मैदान में आकर कैसे काम करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। हम लोग अगर छुप कर, डर कर, खौफ खाकर कैद हो जाए, अंदर बैठ जाए, कोई काम नहीं होगा। हमें एहसास करना है कि आज हमें कहीं से राशन मिल रहा है, आज हमें कहीं से कोई देने वाला मिल रहा है, आइंदा साल तक इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम लोग किसी को तकसीम करेंगे, ये ठान कर यहाँ से उठना है। हम लोग मिल गया, आज मिल गया, फिर सब कौन की देती है, परसों कौन की देती, इस पर हम लोगों को डिपेंड रहना नहीं है। अल्लाह ताला हम लोगों के पास हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सलाहियतें हैं। मिसाल के तौर पर मैं छोटी बातें करता हूँ, मिसाल के तौर पर हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए जब उंगलियाँ ऐसे कर रहे हैं, अल्लाह ताला अगर ये नेमत से हमने नहीं नवाजता, अगर ये बेंड हो रही उंगलियाँ, अगर ये उंगलियाँ बेंड नहीं होते, खाना कैसा खिलाते, या खाना लेने के बाद हम लोग यूं कर रहे हैं हाथ, अगर ये बेंड नहीं होता, या खाना लेकर यूं खा रहे हैं, अगर ये हाथ ऐसे बेंड नहीं होता, ये जॉइंट नहीं होता। अल्लाह ताला यहाँ नाक दिया है, यहाँ आंख दिया है, खाना उठाकर देखो पहले, फिर नाक से सूंघो, बिल्कुल नाक के नीचे मुंह दिया, मुंह के अंदर डालो, फिर जबान दिया, जबान से चखो। अल्लाह ताला अगर आंखें यहाँ दिया होता, नाक यहाँ दिया होता, खाना कैसा खाते, पहले खाना मुंदी खाना, फिर पीछे से सूंघाना, फिर या अल्लाह ताला ये जॉइंट नहीं देता, अल्लाह यूं करके यूं उड़ा को, कुत्तों की तरह ज़िंदगी हो जाती है हमारी। अल्लाह ताला कैसी कैसी नेमतों से नवाज, छोटी छोटी नेमतें हैं, ये हाथ ऐसे जॉइंट दे, तो ऐसी नेमतें हम लोग रख कर, और अल्लाह ताला ताकत दिया है, हम लोगों को जहन दिया है, हम लोगों को दिमाग दिया है, अब ऐसी सलाहियतें हम लोग लेकर किसी दूसरों पर डिपेंड रहें, हमेशा कहीं से कोई आया तो देगा, कोई आया नहीं, हमें खुद इतने काबिल बनना है। हो सकता है कुछ मजबूरियाँ होंगी, लेकिन हमेशा मजबूरियाँ नहीं, हमें अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना है। आज हमें कहीं ले रही तो कल हमें देना, ये मिजाज लेकर हमें उठना है। कभी भी किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी ताकत अपने, हाँ कोई मजबूर है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोले हैं, ऐसे अहबाब को पहले अल्लाह हर किसी को सलाहियत से नवाजता। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, किस्सा याद आ रहा है, एक बादशाह था, एक बड़ी नदी थी, उस नदी के पास बादशाह ऐलान करया, ये नदी से पार कर को उस नदी के उस पार कौन जाता है, तीरले को बड़ा गड़ा है मैदान, ये पानी है, गहरा पानी है, ये पार कर को उस पार कौन जाता है, उसे मैं एक सल्तनत नाम लिख डालता हूँ, एक गांव उसके नाम पर लिख डालता हूँ। अब कौन कौन किया है, बड़े बड़े ठाकुर आए, बड़े बड़े पहलवान आए, गए
आधी दूर मारे पीरे वापस हो गए, नहीं हो रहा है वापस आ गया। कौन की एक जना दुबला पतला देखता सो देखता मार लिया, सीधा आ गया पार कर चले। अब सब ताजु भरे इसके, देखे तो मरीज के जैसा है इन्हें, पेशेंट के जैसा है इन्हें, दुबला पतला है ऐसा ही नहीं था बुलाए खड़ा है। अब बादशाह ऐलान कर दिया था ऐसे ही नदी पार करेंगे इस सल्तनत के नाम को, अब सल्तनत कर दिए। अब फिर भी उन्हें मायूस है। अब लोग पूछे उसे कि बा सल्तनत दिए तुझे आराम से तू तीर डाला, इसके बावजूद तू कुछ नहीं है ना, कि वो क्या किस्सा? उन्हें बोला कहते सब मिल गया मुझे, फिर ये चलेगा मुझे सल्तनत सब मिल गई वो सब अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि मुझे पीछे से धक्का कौन दिया सो। तो अल्लाह ताला सलाहियत रखता है हर किसी के अंदर, अगर उन्हें डरने को रह जाता मैं तीर जा तो जाऊँगा की करके शायद नहीं पार कर सकता था। तो अल्लाह ताला हर किसी के अंदर सलाहियत रखता है, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। और खुसूसन ये बच्चे मैं पहली मरतबे देख रहा हूँ, क्या है मैडम माशाल्लाह, वरना आज के दौर में उर्दू स्कूल से एक तो जुड़ना मुश्किल है, और आज के दौर में अगर कंतु भी उर्दू में गाली दिया तो भी शुक्रिया अदा करना सोचता, वरना इडियट बोलने का दौर है, बेवकूफ बोलने का दौर नहीं। तो ऐसे दौर में ये मासूम बच्चे इल्म हासिल करने के वास्ते, और खुसूसन यहाँ के जो पेरेंट्स जो जितनी अपनाइयत के साथ ये उर्दू स्कूल को फ़रोग देने में, उर्दू स्कूल की तालीम को आगे बढ़ाने में जो रोल अदा कर रहे हैं, मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खुसूसन डॉक्टर सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बेंगलोर में भी इससे पहले भी हमें मुझे कई मौक़ों पर याद किया, और एक दो मरतबे अखबार में भी आपका जिक्र आया, अखबार में बाकायदा हम लोग के खुशी के दफा बने। और मुझे अक्सर ताज्जुब होता था डॉक्टर साहब के अंदर इतनी सलाहियत था, कैसा आ गए इतनी कम उम्र के अंदर है, हालांकि इनके अब्बा मेरे दोस्त थे, तो उमूमन मुझे ताज्जुब होता था डॉक्टर साहब इतनी सलाहियत वाले कैसा आगे हो। लेकिन आज पहली मरतबे मुझे डॉक्टर साहब के घर को जाने का मौका मिला, और ये बुजुर्गों से मिला मैं, डॉक्टर साहब के नानी हैं, डॉक्टर साहब की अम्मी हैं, वहाँ का जो माहौल मैं घर का देखा हूँ यकीनन बहुत कम घरानों में इतना खुशनुमा और खूबसूरत माहौल मैंने देखा है। तो ये माहौल का असर है, ऐसे मतलब जैसा हमें बीज बोएंगे फल भी उसी तरह के, दरख्त भी वैसे ही उगते हैं, बिल्कुल वही माहौल मुझे घर में भी मिला। आप लोगों से भी गुजारिश है कि कम अज़ कम अपने घरेलू माहौल को खूबसूरत बनाएं, अपने बच्चों को दीनदार ना सही, पक्का नमाजी, पांच वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार नहीं का तभी परवाह नहीं, कम अज़ कम भरपूर नमाजों की उसे पाबंदी करने का माहौल बनाएं, और खूबसूरत माहौल बनाएं, गालियों वाला माहौल, गंदा माहौल, एक दूसरे को आगे हाँ जागे हाँ आ रहे हाँ जा रहे हाँ, ऐसे माहौल से बचाएं, और एक खूबसूरत माहौल में हमारे बच्चों को परवरिश करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब अगली मरतबे मुझे टुमकुर आने का मौका मिलेगा अगले रमज़ान में, इंशाअल्लाह हम लोगों की जब मुलाकात होगी, मुझे पूरा यकीन है कि जितने लोग आज यहाँ कुछ लेने के लिए आए हैं, इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा मरतबे कम अज़ कम अपनी अपनी तरफ से दो दो पैकेट आप अपनी तरफ से तकसीम करने का इरादा लेकर आएंगे। बस इसी कलिमात के साथ।